के बाद आश्रम में नहीं बैठा, चार पांच मैया आई, देखे अभाव फूल जाके, मैंने कहा आजकल कोई पर्व तो नहीं, मैंने कहा मैया आजकल कोई पर्व है, जान पहचान के बदले की थी, आजकल कोई पर्व है, तो हाँ बाबा पर्व है, कौन पर्व है, करवा चौथ, करवा चौथ कौन पर्व होता भैया, इसमें भी पकवान तो मनाते नहीं ना, उपास करते हैं, करवा चौथ हाँ किनके लिए पर्व करती है, पति के, ओ ये पति के लिए स्पेशल पर्व का हो करवा चौथ, अच्छा एक होगा तीज, वो भी है बाबा पति के लिए, तीजो है पति के लिए, करवा चौथ पति के लिए, अच्छा बड़ा पद सावित्री वो भी पति के लिए, मैंने कहा कि मैया विचार करो, तीन तीन ठो पर्व करती है पति के लिए, तीन करती है ना स्पेशल, अब बाल बच्चा के लिए तो करबे करती है, वो छठ चौरचन सब बाल बच्चा के लिए सब वह सजिया आई स्पेशल दुल्हा वाला, तो हाँ तो मैंने कहा ठीक है तीन तीन पर्व करती दुल्हा की, अब दुल्हा एक को पर्व कर रहा कन्या पर्व कान के कर रहा, कहती क्या के बाबा जाने छे काले नरक निवारण चतुर्दशी, कहे हे फलना पापा तोहो कर नरक निवारण चतुर्दशी, कहते तू ही कर बुसिया, कहे तू ही कर हमरा भूख लागे हमने हमरा पड़ता था तू ही कर पापा, मैंने कहा भैया सुनो उठ एको को पर्व नहीं करे छो तोरा ले नहीं, अब तू कर जे तीन तीन को पर्व कहा तो तीनों देवता तोरा पति कुमार का बढ़े तो 20-25 साल तीनों देवता जोर लगा देते खोरा बढ़ा दे पति को सोच करते हाँ, तब पति ने भाई का 150-200 बरस के कहा अब तू तो मर हो तो पहले कहा तो रात भर तो कुहरे ना तो तोरे ना ये डकिया माइकल हो हमें कमर हो तो तब भूत मिल गया वह फोटो तब तो की करो से बोलो तो की करिए कब पागल बैठ के ध्यान करो की करिए जीवन एक हो जाता है पूजा कीजिए बड़ा हो जाइएगा, बड़ा हो नहीं पूजिए संतन किया विचार, संतन किया विचार ज्ञान का दीपक लिंगा, अध्यवता 33 कोट नजर में सबको चीना, सबका खंडन किया खोज के तीर निकाला, ब्रह्मा विष्णु महेश खोज के तीर निकाला, अब तीनों में तू सही मुक्ति का इक्के द्वारा हरि को लिया निकाल, बहुत प्रिय मंत्र विचारा हरि है गुण के बीच सतोगुण रजोगुण तमोगुण, हरि है गुण के बीच असंत है गुण के न्यारा, पलटू प्रथमे संत जन दूजे है करता, बड़ा हो कहीं पूजिए संतर क्या विचार, जो बड़ा हल्का पूजा करो बड़ा हो जाओगे, छोटे की पूजा में सब दिन छोटे रह जाएंगे, बड़ा हो है जो दुनिया के पाप को धोने वाली गंगा, गंगा के पाप को धोने की क्षमता संत में, वही कह के गंगा पापन, गंगा पाप को दूर करती है मान लिया हम, लेकिन एक ही काम बताए हैं गंगा के बारे में और नहीं बताए, एक काम गंगा पाप को दूर करती है, चंद्रमा दिन के गर्मी का अपहरण करते हैं, एक ही काम गंगा पापन शशि तापन,
दैन्यं कर्म करो हरे कल्प वृक्ष दरिद्रता को दूर करती है। एक ही काम ख्याल कीजिएगा, गंगा पाप को दूर करती है, एक चंद्रमा ताप को दूर करती है, एक कल्प वृक्ष दरिद्री को दूर करते हैं, एक 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 काम संसदुर क्या करते हैं, पापं तापं दैन्यं च हन्ति संतो महायथा। संत क्या करते हैं, पाप ताप दरिद्री सबका अपहरण करते हैं। एक था कौन हुआ बड़ा स्वामी का आवाज उतरा बड़े तो सबसे बड़ी है संत, उनकी पूजा करो कल्याण होगा। वो संत कैसा, अभी पाठ में सुने आप लोग, मोद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो। संत का समाज कैसा है, मोद और मंगल आनंद कल्याण दायक, आनंद और कल्याण दायक संत का समाज। गुरु महाराज जी एक परम भक्त है, सहरसा के पूर्णिया और अररिया के बीच में है जलालगढ़। वह एक लक्ष्मी बाबू, उनके बड़े पुत्र की शादी हुई थी, कई संतानें भी हुई, लेकिन बच्चे मर गए, बच्चे वो मर गए। गुरु महाराज जी धरण आश्रम में थे, लक्ष्मी बाबू की पत्नी अपने पुत्र मधु को लेकर के आई, गुरु महाराज जी को प्रणाम करके कहती है कि गुरु बाबा ये हमारे पुत्र मधु है, कई संतानें हुई काल कल्पित हो गए, बाबा ये गुरुदेव दया दर्शाया जाए, एक बच्चे का ही कम से कम मुंह देख पा दे। गुरु महाराज आंख बंद करते हैं और कहते सुनो जी, अब की बार की जो बच्चा होगी वो रहे जाओ। बड़ी आशा बन गई, छत्र में हल्ला मच गया, गुरु मां का आशीर्वाद हो गया, दम साधे भी और लिए गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ले गए, बहुत सारे आदमी बहुत धनवान व्यक्ति हो, लोग दम साधे में क्या रिपोर्ट आता, थोड़ी देर के बाद रिपोर्ट आया कि मारा हुआ बच्चा जन्म लिया। अब जो टेम्पररी श्रद्धा रखने वाले सब कहने लगे यही कहते में ही बाबा पहुंचे संत है, ये झूठ फूस बोलते बच्चा रह जाता तो कहते यही बाबा का आशीर्वाद है। अब क्या हुआ, अब उल्टा सीधा सब पकड़ा, लेकिन वो बच्चे की जो मां थी वो बच्चा को उठाकर गोद में ले ली। अब कह रही है कि गुरु बाबा बोले हैं, गुरु बाबा बोले अब की बार का बच्चा रहेगा, मेरा पोता सोया हुआ है जगेगा। अब ये दो घंटा हो गया महाराज, लोग सब कहने लगे बुढ़िया का माइंड थोड़ा विचित्र हो गया, ले लो बच्चा कर दो। जो ही बेटा आया कलो ना, कहने बहु सोया हुआ कलो ना, जो ही छीनने लगे बुढ़िया कहती है कि गुरु बाबा बोले की बात में बच्चा रहेगा, मेरा पोता जगेगा। जो ही छीनने लगे बच्चा जीवित हो गया, रोना शुरू कर दिया। गुरु दाता दयाल वह काके जमदाल पद में कर दे निहाल, बच्चू साधु गुरु और उसका मुंडन हुआ कुप्पा घाट में, उस समय पिछमा बाबा साहिब जो महाराज व्यवस्थापक थे, वही कुप्पा घाट उस बच्चा का मुंडन हुआ प्रमाण। इसलिए साहिब ने बच्चा कहा है सत धर्मी के सत पारा मानव
भगवान हार गए सत धर्मी के सत परमानव भगवान हार गए मुर्दा लड़का जिंदा कहलन जिंदा राजा के स्वर्ग पठलन राजा हरिश्चंद्र ताके स्वर्ग मुर्दा लड़का जिंदा कहलन जिंदा राजा के स्वर्ग पठलन सत धर्मी के सत परमानव भगवान हार गए प्रमाण है उस संत का समाज आनंद और कल्याणदायक होता यदि धर्म का संग्रह ना किया तो साथ क्या जाएगा हरे भोज के भूखा भगा आगे क्या खाएगा दान मुट्ठी अन्न का कर्म तेरे आएगा कर भगवान का भजन जो साथ के ले जाएगा तैयारी करो उठो मुसाफिर बिस्तर बांधो गाड़ी आने वाली है तत्काल ही खुल जाएगी सीटी बजाने वाली है कौन गाड़ी अरे मौत रूपी डाक गाड़ी जब चली आएगी टूट कर यह सुंदर मंदिर खाक में मिल जाएगी इसलिए संतों का समाज मुदा मंगलमय संत समाज और संत कौन आ तो बहुत बहुत पर्चा पोस्टर बैनर लगाते हैं संत बनने के लिए टीवी पर दिखाने के लिए पैसा मांगते हैं लाओ टीवी में दिखा देंगे तो बाबा जी का नाम दिखाएगा टीवी में कि पैसा देने वाला का नाम दिखाएगा टीवी में मूर्ख बना करके लोग से पैसा बाबा जी से उठते हैं भोला भाला लोग देखते हैं कि बाबा का परमात्मा टीवी पर टीवी बीमारी तो बाबा जी को पकड़ा है कि पैसा लेकर अपना नाम दिखा रहा दुनिया भर हमारा नाम चमके संत कौन है वो संत तुलसीदास जी महाराज कहते खट विकार जित अलग आकामा अचल अकिंचन सुचि सुख धामा अमित बोध है अनिहमित भोगी असत सार कभी को विद जोगी जो खट विकार को अपने अधिकार में रखता हो जो खट विकार के बहाव में नहीं बहता हो जो खट विकार का गुलाम नहीं बना हो जो खट विकार की दाता को स्वीकार नहीं करता हो वह संत खट विकार मतलब काम क्रोध लोभ मोह मत और मात्सल्य जो इन विकारों पर अपना आधिपत्य का झंडा पहरा दिया हो वो संत जो काम के दाम में बदनाम नहीं होता हो वो है संत क्रोध जन को अवरोध का प्रतिशोध की भावना उत्पन्न नहीं करता हो वो है संत लोभ जन को क्षोभ पैदा नहीं करता हो वो है संत मोह जन को बेसोध नहीं करता हो वो है संत जो किसी से डाह नहीं करता हो उन संत से जो डाह करता हो उनका भी वह परवाह नहीं करता हो वो संत खट विकार जीत जीत लेते अनग अनग कहते निष्पापी को निष्पापी उनसे कोई पाप नहीं बनता जो पाप करता है वो संत नहीं पर बना बना ले तनक बाप भेष बराबर हो ले भेद बराबर ना अब तोल बराबर घुमची मोल बराबर ना भेष को बना लेंगे लेकिन भेद में नहीं पूजा करवा लीजिएगा कर देते हैं लोग लेकिन भेद खुलने पर भेद खुलने पर भी दुर्दशा भी होती है
काल नदी का क्या हो गया,